नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है मालती जोशी जी की लिखी कहानी यशोदामा। मालती जी की कहानियों की कथा वस्तु हमारे आसपास से ही ली गई होती है। प्रस्तुत कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जो तीन घटनाओं का एक औलाद सा है। परिस्थिति, स्थान तथा घटनाक्रम विभिन्न है, परंतु भाव एकदम एक जैसा है। समय के साथ बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, परंतु माँ तो माँ है, उसकी भावना अपने बच्चों के लिए नहीं बदलती। समय के साथ आगे बढ़ जाते बच्चों के माता पिता किस तरह पीछे छूट जाते हैं, उसी का वर्णन मालती जी ने बहुत ही सहज सरल भाषा में किया है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कमरे में लेटकर पुस्तक पढ़ रही थी कि बहुरानी ने आकर कहा, मम्मी, मेरी एक फ्रेंड आपसे मिलना चाहती हैं। सुनकर खुशी हुई और आश्चर्य भी, क्योंकि यहाँ आए महीना हो चला था। अब तक बहुरानी की अनगिनत सहेलियों में से किसी ने मुझसे बात करना तो दूर नमस्ते तक नहीं की थी। शायद महानगर का यही चलन होगा। मैंने पुस्तक नीचे रखी, बालों पर हाथ फेरा, साड़ी की सलवटें ठीक की और हॉल में आ गई। परिचय की औपचारिकता के बाद सहेली तुरंत मुद्दे पर आ गई। बोली, आंटी जी, भाभी जी बता रही थी कि आप कॉलेज में हिंदी की लेक्चरर थीं। मन हुआ उसे बता दूं कि मैं प्रोफेसर थी और पिछले 10 सालों से विभागाध्यक्ष भी, पर अपने मुंह से यह सब कहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए सिर्फ इतना ही कहा, हाँ हिंदी पढ़ाती थी। तो मेरी बिटिया को थोड़ा गाइड कर देंगी? क्यों नहीं, किस ईयर में है? जी, 8th स्टैंडर्ड में। सुनकर धक्का सा लगा। 30 साल तक कॉलेज में पढ़ाने के बाद 8वीं कक्षा को पढ़ाने का प्रस्ताव बहुत गौरवपूर्ण नहीं था। मैं सोच में पड़ गई। मुझे विचार मग्न देख कर सखी बोली, वो क्या है आंटी जी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो मैं देख लेती हूँ, पर हिंदी में जरा प्रॉब्लम आती है। मेरे एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से हुई है ना, इसलिए। उसकी मीडियम तो पता चल ही रही थी। मैंने भी सोचा कि चलो बैठे से बेगार ही भली, कम से कम पढ़ा लिखा जंग तो नहीं खाएगा, इसलिए कहा कि भेज देना, देख लूंगी। दूसरे दिन शाम को स्वीटी जी पुस्तक लेकर उपस्थित हो गईं। नमस्ते वमस्ते कुछ नहीं, सीधे पुस्तक खोलकर बैठ गईं। ये पोयम प्रिपेयर करना है, मिस ने कहा है कल टेस्ट लेंगी। मैंने देखा सूर का पद था, संदेशो देव की सो कहियो, हों तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। सूर हमेशा से मेरे प्रिय कवि रहे हैं और यह पद तो मेरी दृष्टि में वात्सल्य का सिरमौर है। इसे हाई स्कूल में भी पढ़ा है रमा मिश्रा जैसी भावुक अध्यापिका से। कॉलेज में प्रोफेसर निरंजन से पढ़ने का सौभाग्य मिला। दोनों की शैलियां अलग थीं, पर दोनों डूबकर पढ़ाते थे। मैंने अपने अध्यापन काल में दोनों शैलियों को समन्वय कर लिया था और मेरी छात्राएं अभिभूत रहती थीं। सामने बैठी इकलौती छात्रा को भी अभिभूत करने का संकल्प लेकर मैंने पढ़ाना शुरू किया। जब मैं यह पंक्ति पढ़ा चुकी कि प्रात उठत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, मैंने सिर उठाकर देखा, सामने एक सपाट भावहीन चेहरा मुझे घूर रहा था। बेटे, समझ में तो आ रहा है ना? दादी जी, व्हाट इज गोकुल? बेटे, गोकुल एक गांव था जहां श्री कृष्ण बचपन में रहते थे, और मथुरा, मथुरा ब्रजभूमि की राजधानी थी जहां श्री कृष्ण के मामा और फिर नाना राज करते थे। राजधानी मतलब कैपिटल ना, वहां तो कितनी चीजें मिलती होंगी, पिज्जा, बर्गर, पैटिस, स्प्रिंग रोल, चीज पकौड़ा, पेस्ट्री, केक, वहां माखन रोटी जैसी रॉटन चीज कोई क्यों खाएगा? गोकुल तो विलेज था, वहां कुछ और मिलता ही नहीं होगा, बट मथुरा वॉज अ सिटी ना। मैं अवाक हो उसका मुंह देखने लगी। इट वॉज वेरी स्टूपिड ऑफ कृष्णाज मदर टू थिंक दैट ही विल स्टिल लाइक अ रॉटन थिंग व्हेन ही हैड सो मच चॉइस बिफोर हिम। स्टूपिड कृष्णाज मदर, स्टूपिड! मैं तो भीतर तक सिहर उठी। मैंने मन ही मन मैया को प्रणाम किया और ईसा मसीह के अंदाज में कहा, माता, इस अबोध कन्या को क्षमा कर देना, वह नहीं जानती कि वह क्या कह रही है। बाद में उसकी माँ से कहा, तुम्हारी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, उसका IQ बहुत जबरदस्त है, हर सब्जेक्ट में टॉप करती है आंटी जी, बस हिंदी जरा टफ जाती है, इसीलिए कह रही हूँ उसे हिंदी से और हिंदी को उससे बचाए रखना। और यह गुरु शिष्य संवाद पहले ही दिन दम तोड़ गया। उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे मैं स्वीटी की बातों पर ही गौर कर रही थी।
स्टुपिड कहना जरा ज्यादा ही हो गया था, पर वैसे देखा जाए तो उसका तर्क एकदम ठीक था। यशोदा मैया को खुद सोचना चाहिए था कि अब उनका कान्हा ग्वाले का बेटा नहीं रहा है, अब वह राजकुमार है, मथुरा के राजमहल में रहता है। वहां 3600 व्यंजन उसके सामने रोज परोसे जाते होंगे, उसके सामने माखन रोटी की क्या बिसात। पर यशोदा के लिए तो उनका लाला वही छोटा सा बबुआ है जो आंगन में ठुमकता चलता है, माखन के लिए मचलता है, वह कभी बड़ा होता ही नहीं है। मुझे लगता है हर औरत के मन में एक यशोदा माँ बैठी होती है जो सोचती है कि उसका लाला कभी बड़ा होगा ही नहीं, हमेशा उसके आंचल से झूलता रहेगा। बहुत पुरानी एक बात याद आ रही है। एक बार सागर किसी सेमिनार के सिलसिले में जाना हुआ। विश्वविद्यालय की ओर से रहने खाने का अच्छा प्रबंध था, पर मैंने अपने एक चचेरे भाई के यहाँ रहना ही पसंद किया। थोड़ी असुविधा तो थी, पर उसकी तुलना में आत्मीयता बहुत ज्यादा थी। जिस दिन मैं लौटने वाली थी उससे एक दिन पहले भाभी ने बड़े संकोच के साथ पूछा, जी, हमारा एक काम करेंगी? यह भी कोई पूछने की बात है भाभी, हम आपके साथ कुछ बांध दें तो लल्ला को पहुंचा देंगी। क्यों नहीं भाभी, हम खुद जाकर दे आएंगे। पर हम आपके लल्ला से बहुत नाराज हैं। जब नया नया एडमिशन हुआ था तो हर हफ्ते आ जाया करता था, अब तो 2 साल से उसने शक्ल ही नहीं दिखाई है। आप तो जानती हो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, टाइम नहीं मिला होगा। उन्होंने बेटे की सफाई दी। बस 8 बजे की थी पर मेरी नींद 5 बजे ही उचट गई। चुपचाप उठकर मैं सामान समेटने लगी, पर भाभी ने पता नहीं कैसे आहट पाली, चाय लेकर हाजिर हो गईं। मुझे इतनी शर्म आई, मेरी खटर बटर ने आपको भी जगा दिया ना। जागने को तुम्हारी भाभी सोई कहाँ है, रात भर बैठकर बेटे के लिए पकवान बनाती रही हैं, भैया ने बताया। अरे इतना सारा क्या बना लिया? यूं ही थोड़े से लड्डू वड्डू, वे संकोच से बोली। जाते समय देखा मेरे सामान के साथ एक छोटी सी कनस्तरी रखी हुई है। भाभी ये इतने लड्डू भेज रही हैं आप, क्या सारे हॉस्टल में बंटवाएंगी? लड्डू तो नैक से हैं, बाकी तो पपरियां हैं। पपरियां? मैदे की पापड़ी, हमारे यहाँ नवरातों यानी नवरात्रि में बनती, लल्ला को बहुत पसंद है। वह हर साल तो नवरातों में आ जाते थे पर इस साल पढ़ाई के मारे आ नहीं पाए थे। एक छोटा टिफिन मेरे लिए भी था। मैंने घर जाकर देखा था, देसी घी के खूब मेवा पड़े बेसन के लड्डू और मैदे की सफेद झक बारीक पापड़ी, इन्हें बेलने और तलने में भाभी ने रात भर लगा दी थी, तो कोई आश्चर्य नहीं था। हॉस्टल का नाम और कमरे का नंबर मैं ले आई थी। दूसरे ही दिन हम दोनों सामान पहुंचाने निकल पड़े। मैंने ब्रिजवासी से नमकीन और मीठे के डिब्बे भी रास्ते में बंधवा लिए थे, आखिर को बुआ थी मैं, खाली हाथ जाना क्या अच्छा लगता। लल्ला जी बरमूडा और रंगीन बनियान पहने बड़ी स्टाइल से धुआं उड़ा रहे थे, हमें देखते ही सकपका गए। हम लोगों ने उनकी सकपकाहट नजरअंदाज करते हुए कुशल क्षेम पूछी और धीरे से डिब्बा आगे रख दिया। एक काम के सिलसिले में सागर गई थी, तुम्हारे घर पर ही रुकी थी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए मिठाई भेजी है, मैंने संक्षेप में बता दिया। उसने कनस्तरी को वितृष्णा से देखा, खोला, भीतर का मुआयना किया, फिर ढक्कन बंद करके सर से पलंग के नीचे सरका दिया। ये मम्मी भी ना जाने क्या क्या अलम गलम भेजती रहती है, उसके स्वर में खीज थी। मेरा मन हुआ कि कहूं, तुम्हारी माँ ये पापड़ बनाने के लिए रात भर जागी हैं, और इन लड्डुओं में तुम्हारे भाई बहनों के हिस्से का भी घी पड़ा है, प्लीज इसका अनादर मत करना, खा जरूर लेना। पर मैं यह कह नहीं पाई, जो लड़का माँ को माँ कहने में शर्मा रहा हो उससे यह सब नहीं कहा जा सकता। फिर हमने ब्रिजवासी के पैकेट उसे थमाए तो उसने हुलस कर ले लिए, दिस इज बेटर, मम्मी से कहिए आगे से यही सब भेजा करें, बेकार झंझट करने की जरूरत नहीं है। संकोच के मारे हम लोग यह भी नहीं कह पाए कि यह सौगात हमारी थी, उसकी मम्मी की नहीं। उन दिनों फोन का इतना चलन नहीं था, लोग चिट्ठी पत्री लिखते थे। भैया को पहुंच के चिट्ठी लिखने बैठी तो सोचा लिख दूं, आगे से लल्ला के लिए बाजार की मिठाई भेज दिया करें, उसे वही पसंद है। पर भाभी की ममता का अपमान करने की इच्छा नहीं हुई, उनका भ्रम बनाए रखते हुए मैंने लिखा, आज शाम हम आपकी सौगात लेकर प्रमोद के हॉस्टल गए थे, अपनी पसंद की चीजें पाकर वह बहुत खुश हुआ, आशा है भगवान मेरा इतना सा झूठ माफ कर देंगे। पिछले दिनों जीजा जी आए थे, इस बार बहुत थके से लगे, उम्र का तकाजा तो खैर है ही, पर यह थकान शरीर से ज्यादा मन की थी और स्वाभाविक भी था।
बरसों की प्रतीक्षा के बाद सैकड़ों मन्नतों के बाद एक बेटा हुआ था। वह भी यूएसए में जाकर बस गया है। दोनों पति पत्नी यहाँ अकेले बुढ़ापा काट रहे हैं। विधि की इस विडंबना ने उनके मन में बेहद कड़वाहट भर दी है। बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, अजीब कटखने अंदाज में बात करने लगे हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर बात भी क्या करूं, कुछ तो करनी ही थी। रवि कैसा है? ठीक ही होगा, पत्र वत्र लिखता है? आजकल पत्र कौन लिखता है, जो वह लिखेगा। महीने में एक बार राजी खुशी का फोन खटखटा देते हैं बस। बीच बीच में आता तो होगा? हाँ आता है, ससुराल में कोई शादी निकलती है तो आता है। अब हमारे यहाँ तो कुछ होने को नहीं है, हम दोनों में से कोई मरेगा तो भले ही आ जाए, या ना भी आए तो क्या पता। लौटने का कोई इरादा नहीं है? वहां जाकर कभी कोई लौटा है? पहले यह बात परलोक जाने वालों के लिए कही जाती थी, अब अमेरिका जाने वालों पर भी लागू हो रही है। मुझे लग रहा था जैसे मैंने बर्र के छत्ते में हाथ दे दिया हो। एक भी बात सीधी नहीं पड़ रही थी। मैंने उसी बात को जरा खूबसूरत मोड़ देने की गरज से कहा। मैं तो डर रही थी कि नंदिता जैसी कस्बाई लड़की वहां कैसे एडजस्ट करेगी, पर लगता है उसका मन खूब लग गया है। अरे वह तो मेमो से भी बढ़कर मेम हो गई है, देखोगी तो पहचान नहीं पाओगी। हम तो बहुत देखभाल कर ठोंक बजाकर लड़की लाए थे कि इसके बहाने लड़का भी घर परिवार से जुड़ा रहेगा, पर उल्टा ही हो गया है। अब अगर रवि आना भी चाहे तो ये महारानी आने नहीं देंगी, मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। जीजा जी, यह नए युग की सौगात है, इसे चाहे हंसकर लीजिए चाहे रोकर। आज से 20-30 साल पहले कोई इक्का दुक्का विदेश जाता था तो उसका बड़ा अजूबा सा होता था। अब तो हर तीसरे घर से एक व्यक्ति विदेश में है। पहली बार वे मुझसे सहमत हुए। यह बात तुमने एकदम ठीक कही है। अरे अकेले मेरे शहर के 15 लड़के सिलिकॉन वैली में हैं, और कितने कहां होंगे क्या पता। सिलिकॉन वैली? अपना रवि भी वही है ना? फिर तो आना जाना लगा ही रहता होगा। आपके लिए तो बहुत सुविधा हो गई होगी, जब मन हुआ बेटे के लिए कुछ भेज सकते हैं। सुविधा है कि मुसीबत, मैं तो बेगार ढूंढते ढूंढते तंग आ गया हूँ। बेगार कैसी? तुम्हारी दीदी को काम धाम तो कुछ है नहीं, बैठे बैठे यही पता लगाती रहती हैं कि कब कौन आ रहा है कब जा रहा है। फिर जुट जाती हैं अचार मुरब्बा बनाने में, कभी पोते के लिए स्वेटर बिन रही हैं तो कभी बहू के लिए साड़ी काट रही हैं। कितनी अच्छी बात है ना, सात समंदर पार भी बच्चों को माँ की ममता का स्पर्श मिल रहा है। अरे कौन कमबख्त उस स्पर्श के लिए तरस रहा है। जीजा जी एकदम उबल पड़े। उसने मुझसे एक बार क्या कहा था जानती हो? बोला, पापा अब आप जिस जिस के हाथ सामान भेजना बंद कीजिए, एक तो यहाँ दूरियां बहुत हैं, फिर हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि सामान कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। आप लोग नाहक परेशान होते हैं, यहाँ जरूरत की हर चीज मिल जाती है। वैसे भी हमारी खान पान की आदतें अब बदल गई हैं। माँ से कहिएगा बुढ़ापे में आंखों पर ज्यादा जोर न डालें। वे जो बच्चों के लिए स्वेटर्स भेजती हैं, यहाँ की ठंड में एकदम बेमानी है। और नंदिता तो आजकल साड़ी पहनती ही नहीं। अरे वाह, यह लड़का तो बड़ा नाशुकरा निकला। आप दीदी से मना कर दीजिए, जब सामने वाले को कद्र ही नहीं है तो क्यों आंखें फोड़ती हैं। जानती हो, मैं जिस दिन तुम्हारी दीदी को मना कर दूंगा वह मर जाएगी। वह बेवकूफ औरत इसलिए जिंदा है कि पोते पोतियों के पोतड़े सीती रहे, बहू की रसोई के लिए मसाले कूटती रहे, बेटे के लिए मठरी और खुरमे बनाती रहे। मैं आजकल क्या करता हूँ पता है? जब सामान देने जाता हूँ तो उन बच्चों से कह देता हूँ कि अगर तुम्हारा सामान ओवरवेट होने लगे तो सबसे पहले यह पार्सल उठाकर फेंक देना, हमें बताने की भी जरूरत नहीं है। और वहां अगर कोई 15 दिन तक सामान लेने ना पहुंचे तो सब खा पी कर खत्म कर देना, जरा भी संकोच मत करना। और क्या कर सकता हूँ बताओ। सुनकर मन कैसा तो हो आया, दीदी के लिए बुरा लगा, थोड़ी खीज भी हुई। क्या दीदी जानती नहीं कि उनका बेटा दुनिया के सबसे संपन्न देश में बैठा हुआ है, वह उनकी बनाई घरेलू चीजों का मोहताज नहीं है। फिर लगा कि दीदी भी इस बात को जरूर जानती होंगी। यह सारा जतन वे बेटे के लिए नहीं अपने लिए कर रही हैं। उनके लिए जीने का बहाना है यह। जीजा जी ठीक कहते हैं, जिस दिन यह बहाना नहीं रहेगा वह मर जाएंगी। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको उनकी यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं।
अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और यह भी बताएं कि अन्य कौन सी रचनाएं आप सुनना चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।